हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर पर जितने कोटेशन किए गए हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, मतलब विलियम शेक्सपियर पर कितने राइटर ने कोटेशन कोट किया है, स्टेटमेंट है उनका। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, हु डिस्क्राइब शेक्सपियर एज सोल ऑफ द एज। तो शेक्सपियर को किसने सोल ऑफ द एज के रूप में डिस्क्राइब किया है? जॉनसन है, पॉप है, या सैमुअल जॉनसन है, जॉन ड्राइडन है, किसने किया है ये बताना है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हम सब विलियम शेक्सपियर का ही देखने वाले हैं कोटेशन, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बेन जॉनसन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बेन जॉनसन ने ही कहा है। अच्छा, कहाँ कहाँ है ये भी मैं बता दे रही हूँ। तो इनका एक वर्क है, बेन जॉनसन का एक वर्क है, वहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, उस वर्क का नाम है टू द मेमोरी ऑफ माई बिलबड, टू द मेमोरी ऑफ माय बिलवड। ठीक है, आगे आपका द ऑथर है, उसके बाद है मिस्टर विलियम। ठीक है, तो यहाँ पे आपने याद रखना है टू मेमोरी ऑफ माय बिलवड, द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर। ये इनका वर्क था बेन जॉनसन का, और जो कब आया था 1623 में ये आया था। तो ये बेन जॉनसन का ही है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, हु सेड ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। वैसे मैंने विलियम शेक्सपियर पर कोटेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने करा रखे हैं, आप चैनल पे जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा। वहाँ पे मैंने सारे कोटेशन, लगभग विलियम शेक्सपियर के प्लेस के कोटेशन सारे करा रखे हैं। ये वाले कोटेशन तो मैंने टाइम्स मैंने कराए हैं। तो आज जो कुछ छूट उठ रहा है वो सब इसमें है, आपको इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ही वॉज़ नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, मतलब वह है जो हैं वो एक एज के नहीं हैं बल्कि हर एज के हैं, ऐसा किसने कहा? एलियट, पॉप, जॉनसन, अर्नोल्ड। तो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बेन जॉनसन, अगेन बेन जॉनसन। ठीक है, याद रखना है अगेन बेन जॉनसन ने कहा है। और ये कहाँ कहे हैं? तो वही वर्क है टू द मेमोरी ऑफ माई बिलवड, द ऑथर मिस्टर विलियम शेक्सपियर, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच पोएट रेफर टू हैमलेट एज द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर। तो कौन सा पोएट है जो हैमलेट को मोनालिसा ऑफ लिटरेचर के रूप में रेफर कर रहे हैं? टी एस एलियट, चार्ल्स लैम, सैमुअल जॉनसन, एलेक्जेंडर पॉप। तो ऐसे पोएट कौन से हैं? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपके टी एस एलियट। ओके, टी एस एलियट ने ही हैमलेट को मोनालिसा ऑफ लिटरेचर कहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु मेंशन दैट एवरी सिंगल कैरेक्टर इन शेक्सपियर इज मच एन इंडिविजुअल एज दोज इन लाइफ इट्सेल्फ। तो किसने ये मेंशन किया है कि एवरी सिंगल कैरेक्टर शेक्सपियर के प्लेज में जितने भी एवरी सिंगल कैरेक्टर हैं एज मच एज एन इंडिविजुअल एज दोज इन लाइफ इट्सेल्फ। एलेक्जेंडर पॉप है, बेन जॉनसन है, सैमुअल जॉनसन है, मैथ्यू अर्नोल्ड है, ऐसा किसने कहा है बताना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर के जितने भी कैरेक्टर हैं उतना ही व्यक्तिगत है जितना कि स्वयं जीवन में अन कैरेक्टर है, ऐसा किसने कहा है? तो ऐसा किसने कहा है? ऐसा एलेक्जेंडर पॉप ने कहा है। ठीक है, याद रखना है एलेक्जेंडर पॉप ने कहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु रेफर टू शेक्सपियर एज द जेंटल शेक्सपियर। द जेंटल शेक्सपियर, शेक्सपियर को द जेंटल शेक्सपियर के रूप में किसने रेफर किया है? ड्राइडन, ग्रीने, लैम्ब या एलियट, किसने कहा है? ठीक है, सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा रॉबर्ट ग्रीन। ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन ने ही जेंटल शेक्सपियर के रूप में रेफर इनको किया है। नेक्स्ट वन है, हु सेड दाउ हैस्ट स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। तो ये किसने कहा है? मिल्टन, जॉन बेन जॉनसन, एलेक्जेंडर पॉप, मैथ्यू अर्नोल्ड। तो ये भी लाइनें वहीं से आती हैं, टू द मेमोरी, टू द माई बिलवड ऑफ मिस्टर विलियम शेक्सपियर, जो उनका वर्क है बेन जॉनसन का, वहाँ पे ये भी लाइनें कहते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु क्लेम दैट शेक्सपियर हैज़ ओनली हीरोइंस एंड नो हीरोज। ऐसा कौन क्लेम करता है कि शेक्सपियर के पास सिर्फ हीरोइंस है, कोई हीरोज़ नहीं है? रस्किन है, लैम्ब है, एलियट है, जॉनसन है, ऐसा क्लेम किसने किया है? सो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा रस्किन, जॉन रस्किन। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु रेफर्ड टू शेक्सपियर एज द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड। ऐसा किसने कहा है?
किसने शेक्सपियर को रेफर किया है? द नियरेस्ट थिंग इन इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड, ईश्वर की दृष्टि के सबसे निकट अवतार के रूप में किसने शेक्सपियर को रेफर किया है? लॉरेंस ओलिवर हैं, ओलिवियर हैं और अलेक्जेंडर पॉप हैं, होरेस वॉलपोल हैं, बेन जॉनसन हैं। सो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, लॉरेंस ओलिवियर हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका, ओके नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु डिस्क्राइब्ड शेक्सपियर एज द नेचर्स डार्लिंग, तो किसने शेक्सपियर को नेचर्स डार्लिंग के रूप में डिस्क्राइब किया है? ग्रे है, ड्राइडन है, वर्ड्सवर्थ है, टीएस इलियट है। किसने किया है नेचर्स डार्लिंग के रूप में? तो आई थिंक मुझे लगता है ये जो थॉमस ग्रे का जो पोसी करके है, यहाँ पे जो हमें पढ़ा अभी, यहाँ पे था हु रेफर टू शेक्सपियर। अब ये स्टार्ट कैसे होगा, तो शेक्सपियर से स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग से स्टार्ट हो सकता है, तो याद रखना है। और लॉरेंस ओलिवर ने ही कहा है, कहाँ पे इनका एक वर्क है, केनेथ हैरिस टॉकिंग टू, ठीक है वहाँ पे इन्होंने कहा है। ठीक है, केनेथ हो गया टॉकिंग टू, जो कब आया था, 1971 में आया था। ठीक है, ना ध्यान रखना है। और ये नेचर्स डार्लिंग है, ये कौन कहता है बताना है। तो ये आपके थॉमस ग्रे हैं, कौन है, थॉमस ग्रे ने कहा है नेचर डार्लिंग, तो ये याद रखना है। इसकी लाइनें कैसे स्टार्ट होती हैं, तो इसकी लाइनें स्टार्ट होती हैं इन दाई, ठीक है, इन दाई ग्रीन लैप, ग्रीन इन दाई ग्रीन लैप नेचर्स डार्लिंग डार्लिंग लेड, ठीक है, नेचर्स डार्लिंग लेड, ठीक है, ये फर्स्ट लाइन हो गई, यहीं से स्टार्ट होती है, आगे की लाइन है। तो ये अपने ध्यान रखना है, ये थॉमस ग्रे ने ही कहा है, कहाँ पे कहा है तो ये भी याद रखिए, इन द सेक्शन ऑफ शेक्सपियर इन द प्रोग्रेस ऑफ पोसी, द प्रोग्रेस ऑफ पोसी में इन्होंने कहा है, याद रखना है। ठीक है, जो कब आया था याद रखना इस चीज़ को, ओके नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, हु सेड नथिंग कैन प्लीज मेनी एंड प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर, ऐसा शेक्सपियर को किसने कहा है? आपके ऑप्शन में है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, अलेक्जेंडर पॉप, टीएस इलियट, होरेस वॉलपोल, ऐसा किसने कहा है बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब एक बार समझ लेते हैं कि क्या कह रहा है, कि कोई भी चीज़ बहुतों को तथा लंबे समय तक प्रसन्न नहीं कर सकती सिवाय सामान्य प्रकृति के प्रतिनिधित्व के, ऐसा किसने कहा है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है, ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहते हैं, और किस में कहते हैं, तो प्रीफेस टू शेक्सपियर में कहते हैं, प्रीफेस टू शेक्सपियर में कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, जो कब आता है, 1592 में आई थिंक आता है, ओके नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी तो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। हु कॉल्ड शेक्सपियर आवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर, तो ये शेक्सपियर को किस, हमारे असंख शेक्सपियर किसने कहा है? विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल जॉनसन, कॉलरिज या फिर जॉन मिल्टन, किसने कहा है आवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर? तो ये हम सभी को पता है, ये कॉलरिज कहते हैं, कहाँ पे कहते हैं ये भी याद रखना है। बायोग्राफिया लिटरेरिया में, मैं लिख के नहीं अभी बताऊँगी, सिर्फ आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, बायोग्राफिया लिटरेरिया में ये लाइनें कहते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। ठीक है, चैप्टर XV बायोग्राफिया लिटरेरिया, जो कब आया था, ठीक है, यानी कि चैप्टर XV, यानी कि मुझे थोड़ा सा रोमन में कन्फ्यूज़न होता है, बट फिर भी मैं बता रही हूँ, XV चैप्टर XV, ठीक है, 10 एंड 15
हु सेड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसिस दैट एवर एग्जिस्टेड शेक्सपियर अनडाउटली वॉन्टेड टेस्ट, ऐसा किसने कहा है? ठीक है, ऐसा किसने कहा है? होरेस वॉलपोल, आपके ऑप्शन में है होरेस वॉलपोल, टी एस एलियट, एलेक्जेंडर पॉप, जॉन ड्राइडन। क्या कह रहे हैं कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियस, मतलब अब तक के सबसे महान प्रतिभाओं में से एक शेक्सपियर, निसंदेह स्वाद चाहते हैं, अब तक के सबसे महान प्रतिभाओं में से एक हैं, ऐसा किसने कहा है? ठीक है, ऐसा किसने कहा है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, होरेस वॉलपोल ने कहा है। ठीक है, याद रखना है इसको, किसने कहा है? होरेस वॉलपोल ने कहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिमार्क शेक्सपियर इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, ऐसा किसने कहा है? ये मतलब ये रिमार्क किसने दिया है? ठीक है, शेक्सपियर इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव कैपेबिलिटी, तो यहाँ पे आपका जॉन किड्स करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु सेड विद द सेम की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट वंस मोर, ऐसा किसने कहा है? विलियम वॉर्ड्सवर्थ, चार्ल्स लैम्ब, या सिलेट बेन जॉनसन, तो ये हम सभी को पता है विलियम वॉर्ड्सवर्थ ने कहा है। कहाँ पे? स्कॉर्न नॉट दी सोनेट में, स्कॉर्न नॉट दी सोनेट में। ठीक है, याद रखना है स्कॉर्न नॉट दी सोनेट में। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अच्छा, ये आया कब था स्कॉर्न नॉट दी सोनेट? 1827 में आया था। हु रेफर टू हेमलेट एज आर्टिस्टिक फिल्योर, तो हेमलेट को आर्टिस्टिक फिल्योर किसने कहा है? तो यहाँ पे मैथ्यू अर्नोल्ड है, टी एस एलियट हैं, कॉलरिज हैं, सैमुअल जॉनसन है, तो टी एस एलियट ने कहा था। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु डिस्क्राइब शेक्सपियर एज द सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर, ऐसा किसने कहा है? टी एस एलियट, मैथ्यू अर्नोल्ड, या फिर अलेक्जेंडर पॉप, जॉन ऑब्रे, ऐसा किसने कहा है? मतलब किसने शेक्सपियर को सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्कैंड, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर के बारे में, सिक्योर के रूप में डिस्क्राइब किया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड ने। बुलाइने है ना शेक्सपियर, अरे मैथ्यू अर्नोल्ड की एक सोनेट है शेक्सपियर, ठीक है, ये इनकी सोनेट है शेक्सपियर, इसी की ये लाइनें हैं। ठीक है, जिसकी शुरुआत की लाइनें अक्सर पूछी जाती है, शुरुआत की नहीं, अक्सर पूछी जाती है, अदर्स अबाइड अ क्वेश्चन। ठीक है, अदर्स अबाइड अ क्वेश्चन, ये अक्सर पूछी गई है ना, ये उसी की ही लाइनें हैं और क्वेश्चन। ठीक है, दाउ आर्ट फ्री, यही लाइनें हैं ना, दाउ आर्ट फ्री। ओके, ओ शिट। ठीक है, तो ये याद रखना है, और ये सोनेट है, ये एक सोनेट है, ये एक सोनेट है जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड का है, उन्होंने शेक्सपियर सोनेट है, नाम ही है शेक्सपियर, इसमें ये लाइनें अदर्स अबाइड अ क्वेश्चन, इसी में ये लाइनें हैं, इसी में इन्होंने कहा है अदर्स अबाइड अ क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, वी आस्क एंड आस्क, दाउ स्माइलिस्ट एंड आर्ट स्टिल, आउट टॉपिंग नॉलेज, उसके बाद लास्ट में ये लाइनें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु सेड फॉर गेन नॉट ग्लोरी विंग्ड हिज रोविंग फ्लाइट एंड ग्रू इमॉर्टल इन हिज ओन डिस्पाइट, ऐसा किसने किया कहा है? होरेस वॉलपोल हैं, अलेक्जेंडर पॉप हैं, रॉबर्ट ग्रीन हैं, और बेन जॉनसन हैं। उसने प्रसिद्धि के लिए नहीं, लाभ के लिए नहीं उड़ान भरी और अपने ही अपमान में अमर हो गया। मतलब ऐसा किसने कहा कि उसने प्रसिद्धि के लिए नहीं, लाभ के लिए नहीं उड़ान भरी है, वो अपने ही अपमान में अमर हो गया। मतलब कोई लिखता है कि मैं फेमस होऊंगा, मैं अमीर बनूंगा, इस वजह से कोई आगे बढ़ता है, बट शेक्सपियर ने ऐसा कुछ नहीं किया। शेक्सपियर की बस क्रिटिसिज्म होती गई, वो लिखते गए, शेक्सपियर की बस क्रिटिसिज्म होते, और क्रिटिसिज्म से ही वो आगे बढ़ते चले गए, मतलब उन फेमस होते चले गए, वही चीज़। ऐसा किसने कहा है? बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन कहा किसने है? सो राइट आंसर यहाँ पे अलेक्जेंडर पॉप हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु डिस्क्राइब शेक्सपियर एज द वेरी जेनस ऑफ पोएट्स, किसने शेक्सपियर को डिस्क्राइब किया है द वेरी जेनस ऑफ पोएट्स के रूप में? आपके ऑप्शन में है बेन जॉनसन, सैमुअल जॉनसन, जॉन ड्राइडन, रॉबर्ट ग्रीन। कवियों का असली दोहरे चरित्र के रूप में किसने वर्णित किया है? मतलब कवियों का असली दोहरा चरित्र, सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जॉन ड्राइडन ने, ठीक है, यस, जॉन ड्राइडन ने किया है, तो ये याद रखना है, जॉन ड्राइडन ने किया है। ओके, आई थिंक इन्होंने इससे ऑन द ड्रामेटिक
पोइट्री ऑफ द लास्ट एज जो उनका वर्क था, एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोसी, उसी में इन्होंने ये बात कही आई थिंक। हु कॉल्ड शेक्सपियर द जेंटल शेक्सपियर, तो आई थिंक ये रिपीट हुआ है, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु कॉमेंटेड शेक्सपियर हैज़ यूनाइटेड द पावर्स ऑफ एक्साइटिंग लॉफ्टर एंड सोरो नॉट ओनली इन वन माइंड बट इन वन कंपोजिशन, ऐसा किसने कहा है, किसने शेक्सपियर को कहा है? आपके ऑप्शन में है सैमुअल जॉनसन, टी एस इलियट, कॉलरिज या फिर बेन जॉनसन। मतलब शेक्सपियर ने रोमांचक हंसी और दुख की शक्तियों को न केवल एक दिमाग में बल्कि अपनी रचना में एग्जूट किया है, ऐसा किसने कहा है? तो ऑब्वियसली डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा है। और ये कहाँ पे कहा है? अ प्रीफेस टू शेक्सपियर, जो उनका वर्क है प्रीफेस टू शेक्सपियर, उसमें इन्होंने कहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु डिस्क्राइब इमोशन इन सिम्बलिन एज परहैप्स द मोस्ट टेंडर एंड मोस्ट हार्टलेस ऑफ ऑल शेक्सपियर वीमेन, ऐसा किसने, इमोशन सिम्बलिन में जो इमोशन है उसके बारे में किसने डिस्क्राइब किया है? आपके ऑप्शन में है हैजलिट, चार्ल्स लैम, टी एस इलियट, कॉलरिज। मतलब सिम्बलिन में इमोशन को शायद शेक्सपियर के सभी महिलाओं में सबसे कोमल और सबसे हृदयहीन के रूप में किसने वर्णित किया है? किसका कहना है कि शेक्सपियर की सभी महिलाओं में सबसे कोमल दिल की इमोशन है, सबसे हार्टलेस है? हैजलिट, चार्ल्स लैम, टी एस इलियट या कॉलरिज? तो हैजलिट, विलियम हैजलिट ने कहा है, इस चीज़ को याद रखना है। ओके ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड ही नीडेड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर, ही लुकेड इनवर्ड्स एंड फाउंड हर देयर, ऐसा किसने कहा है? ठीक है, आपके ऑप्शन में है जॉन ड्राइडन, चार्ल्स लैम, एलेक्जेंडर पॉप और टी एस इलियट। मतलब नेचर को पढ़ने के लिए उसे किताबों के चश्मे की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि उसने भीतर देखा और उसे वहीं पाया, ऐसा किसने कहा है? मतलब शेक्सपियर को ही कहा जा रहा है कि शेक्सपियर ने प्रकृति को पढ़ने के लिए उसे किताबों की ज़रूरत नहीं है, किताबों के चश्मे की ज़रूरत नहीं है शेक्सपियर को, उसने अपने भीतर देखा, अपने अंदर देखा और वहीं पे नेचर को पाया, ऐसा किसने कहा है? ड्राइडन, लैम, पॉप या इलियट? तो ड्राइडन ने कहा है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु मेंशन दैट लव इज़ ओनली वन ऑफ मेनी पैशंस इन रिलेशन टू शेक्सपियर वर्क्स, ऐसा किसने कहा, किसने मेंशन किया है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, एलेक्जेंडर पॉप, बेन जॉनसन या टी एस इलियट? शेक्सपियर के कृतियों यानी कि शेक्सपियर के वर्क के संबंध में किसने कहा है कि प्रेम अनेक जुनूनों में से एक है, ऐसा किसने कहा है? प्रेम जो है वो अनेक जुनूनों में से एक है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ही है, प्रीफेस टू शेक्सपियर की लाइन आई थिंक ये भी। नेक्स्ट वन है, हु डिस्क्राइब्ड, ठीक है ज़्यादातर वहीं से लाइनें हैं। ओके, हु डिस्क्राइब शेक्सपियर कैरेक्टर्स इन ट्रेजिडीज एज इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ऑफ मेडिटेशन स्ट्रिप्ड ऑफ दियर ड्रामेटिक फंक्शन, ऐसा मतलब शेक्सपियर के कैरेक्टर को किसने डिस्क्राइब किया है? आपके ऑप्शन में है चार्ल्स लैम, कॉलरिज, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, हैजलिट। मतलब शेक्सपियर के ट्रेजिडीज में कैरेक्टर को किसने ध्यान की व्यक्तिगत वस्तुओं उनके नाटकीय कार्य से रहित के रूप में वर्णित किया है, ठीक है ऐसा किसने किया है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन में है चार्ल्स लैम ने किया है, ठीक है ध्यान रखना है, ऐसा किसने किया है? चार्ल्स लैम ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु सेड शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज़ बट ओनली ह्यूमन बीइंग्स, बताना है यहाँ पे। मतलब इसके पहले क्या था क्वेश्चन, किसने कहा है कि शेक्सपियर के पास कोई हीरोज़ नहीं है, ओनली हीरोइंस है, बट ओनली हीरोइंस है ना, यहाँ पे क्वेश्चन अलग है। शेक्सपियर किसने कहा है कि शेक्सपियर के पास कोई हीरोज़ नहीं है बट ओनली ह्यूमन बीइंग्स हैं, बल्कि केवल मनुष्य हैं, ऐसा किसने कहा है? थोड़ा सा वैसे ही है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा इधर उधर है, बताना है। सैमुअल जॉनसन है, रस्किन है, हैजलिट है या रॉबर्ट ग्रीन है, बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, रस्किन या हैजलिट क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने ही कहा है। तो ये दोनों याद रखना है, कोई डाउट, कोई मतलब ये भी नहीं है कि नहीं आ सकता है, क्योंकि मिलता जुलता है तो ये भी पूछ लिया जा सकता है, इसको मैं इम्पोर्टेंट लगाना चाहूँगी, पूछ लिया जा सकता है भाई, क्योंकि वो भी सेम ही है, जॉन रस्किन वाला ये भी सेम ही है,
उन्होंने हीरोइन कहा, इन्होंने ह्यूमन बींग्स कहा है। हु डिस्क्राइब हैमलेट एज द मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, तो टी एस एलियट। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु रेफर टू शेक्सपियर एज द अपस्टार्ट क्रो इन ग्रोट्स वर्थ ऑफ विट, तो ये हम सभी को पता है, रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है, इन्होंने ही क्रिटिसिज्म किया था अपने वर्क में। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु रिमार्क्ड इन दाई ग्रीन लैप वॉज नेचर्स डार्लिंग लैड। देखिए अभी वही था कि किसने शेक्सपियर को नेचर्स डार्लिंग के रूप में वर्णित किया है, सेम वही चीज़ अभी यहाँ पे पूछ लिया गया है, पूरी लाइन पूछ लिया गया है। मैंने कहा था ना ये पूरी लाइन है, इन दाई ग्रीन लैप वॉज नेचर डार्लिंग लैड। थॉमस ग्रे, मैथ्यू अर्नोल्ड, बेन जॉनसन, तो थॉमस ग्रे है ड्रामेटिक इनका वर्क था, मैंने बताया था अभी, ठीक है, प्रोग्रेस ऑफ पोसी करके था ना, द प्रोग्रेस ऑफ पोसी, उसी की लाइन है ये। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु स्टेड, अगला जो वर्क, अगला जो आपका क्वेश्चन है, हु स्टेड अदर सबाइड अ क्वेश्चन, द वर्ड फ्री, मैथ्यू अर्नोल्ड का ही है, उसी की लाइन थी, उसी की लाइन थी ना जो आगे की लाइन थी, सेल्फ स्कैंड सेल्फ स्कूल, शेक्सपियर को बताया गया था। हु सेड एवरी सिंगल कैरेक्टर इन शेक्सपियर इज एज मच एज इंडिविजुअल एज दोज इन लाइफ इट सेल्फ, तो ये हमने अभी पढ़ा था, तो एलेक्जेंडर पॉप हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु डिस्क्राइब शेक्सपियर एज द सोल ऑफ द एज, द एप्लॉज, द लाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, ऐसा किसने कहा है, तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, बेन जॉनसन, वॉलपोल, ड्राइडन, तो बेन जॉनसन ने ही कहा है, वही वर्क है टू माई बिलवड विलियम शेक्सपियर वाला। हु सेड दाउ हैस्ट, वही चीज़ें हैं, फिर से पूछ लिया गया है, बेन जॉनसन। एंड नेक्स्ट वन है, हु रेफर टू शेक्सपियर द स्वीट स्वान, ये भी बेन जॉनसन का ही है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु सेड व्हाट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स, द लेबर ऑफ एन एज एंड पाइल स्टोन, जॉन मिल्टन है, ऑन शेक्सपियर की ये लाइन है, ठीक है, आई थिंक ऑन शेक्सपियर की ही लाइनें हैं, हाँ ऑन शेक्सपियर की ये लाइनें हैं। एक और भी पूछी जाती है यहाँ से लाइनें, वॉट, ये वाली लाइनें, ये तो पूछ लिया जाएगा वॉट नीड्स, एक और पूछा जाता है ओ और स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, वो आपका एल एलिग्रो की लाइनें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हु कॉल्ड शेक्सपियर द नियरेस्ट थिंग इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड, ऐसा किसने कहा है, किसने शेक्सपियर को कहा है, ठीक है, किसने शेक्सपियर को कहा है, द नियरेस्ट थिंग इनकारनेशन टू द आई ऑफ गॉड, एक क्वेश्चन आई थिंक फिर से रिपीट हुआ है, तो लॉरेंस और लीवर ने कहा है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु सेड आई लव द मैन एंड टू डू ऑनर टू ऑनर टू हिज मेमोरी ऑन हिज एडल्ट्री एज मच एज एनी, तो ये किसने कहा है, बेन जॉनसन, ड्राइडन, होरिस वॉलपोल, या फिर आपके डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ऐसा किसने कहा है यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आई लव द मैन, आई लव द मैन एंड टू ऑनर, मतलब मैं उस व्यक्ति से प्रेम करता हूँ, उनकी स्मृति का सम्मान करना, मतलब उनकी स्मृति को सम्मान चाहता हूँ इस मूर्ति पूजा पर, जितना कोई भी नहीं, जितना उतना कोई नहीं करता जितना मैं करता हूँ, ऐसा किसने कहा है, ठीक है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा बेन जॉनसन, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रेफर टू शेक्सपियर एज द होमर, द फादर ऑफ द आवर ड्रामेटिक पोएट्स, ऐसा किसने कहा, ऐसा शेक्सपियर को किसने रेफर किया है, आपके ऑप्शन में है ड्राइडन, फिर है बेन जॉनसन, एलेक्जेंडर पॉप, टी एस हिलियर, कि मतलब शेक्सपियर को होमर, हमारे नाटक के कवियों के पिता किसने कहा है, शेक्सपियर को होमर कहा है, जो हमारे ड्रामेटिक पोएट्स के पिता हैं, ऐसा किसने कहा है, तो ड्राइडन है, ठीक है, ड्राइडन ने कहा है, ड्रामेटिक पोजी करके इनका वर्क है उसी में। हु सेड अबाउट शेक्सपियर, किसने कहा शेक्सपियर को, तो ये फिर से क्वेश्चन आ गया है बेन जॉनसन। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, ओके, हु कॉल्ड शेक्सपियर, ओ गॉड, शेक्सपियर द लीस्ट ऑफ एन इगोटिस्ट दैट इट वॉज पॉसिबल टू बी, तो किसने शेक्सपियर को कहा है, हैजलीट, चार्ल्स लैम, और मैथ्यू अर्नोल्ड, रॉबर्ट ग्रीन, शेक्सपियर को सबसे कम अहंकारी व्यक्ति किसने कहा है, कि शेक्सपियर बहुत कम अहंकारी है, ऐसा किसने कहा है, सो राइट आंसर हैजलीट हो जाएंगे, विलियम हैजलीट ने कहा है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु स्टेड इट इज़ ही हु आर हैमलेट, ये किसने कहा है, हैजलीट, एलेक्जेंडर पॉप, कॉलरिज, या टी एस एलियट, किसने कहा है कि वह वही है जो हैमलेट है, ऐसा किसने कहा है, तो अगेन हैजलीट ही है यहाँ पे, और भी आगे की लाइनें हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, ये जो
लाइनें हैं द लिस्ट ऑफ एन ईगोट दैट इट वॉज पॉसिबल टू बी। इसमें हैजलिट ने ही कहा, लेकिन कहाँ कहा है ये भी याद रखना है। इनका वर्क है ऑन शेक्सपियर, ठीक है, ऑन शेक्सपियर एंड मिल्टन, इसमें इन्होंने कहा है, ठीक है, याद रखना है, इसमें इन्होंने कहा है, ओके, ठीक है। तो ये भी हैजलिट ने कहा, लेकिन वर्क इनका अलग है। इनका वर्क है इन कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज, इसमें ये लाइनें कहते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स ऑफ, ओह गॉड, कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेज, ठीक है, कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेज, शेक्सपियर्स प्लेज, इसमें ये कहते हैं, ठीक है, याद रखना है। एंड नेक्स्ट वन पे लास्ट है आज का, हु सेड आई डू नॉट रिमेंबर दैट एनी बुक आर इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट एन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। तो ये तो कितनी बार ही पढ़ा है, किसने कहा है, गोथे ने, कि टी एस एलियट ने, कि अलेक्जेंडर पॉप ने, कि कॉलरिज, कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरे जीवन में किसी पुस्तक या घटना ने मुझ पर इतना गहरा प्रभाव डाला हो जितना कि शेक्सपियर के नाटक ने डाला है। तो गोथे ने कहा है, ठीक है, याद रखना है। और भी है, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि एक लाइनें हैं आपकी, वन नेम नेवर टू बी मेंशन, नेवर टू बी मेंशन विदाउट रेवरेंस, ठीक है, विदाउट रेवरेंस, ये याद रखना है। इसको किसने कहा है, स्पोकन बाय अर्नोल्ड अबाउट शेक्सपियर, ठीक है, छोटा है तो मे भी पूछ लिया जाए, तो ये याद रखना है। वन नेम नेवर टू बी मेंशन विदाउट रेवरेंस, तो अर्नोल्ड अबाउट शेक्सपियर। और भी है, ओके, तो बाद, ओके, बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो भी छूटेगा वो हम नेक्स्ट में देख लेंगे। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसमें मैंने कुछ नए रखे थे, लेकिन कुछ पुराने भी रहेंगे, ऐसा है नहीं कि मिलने वाला नहीं है, वो सब घुमा फिरा के आपको मिलने वाला है। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। एक और था बट अभी तो है नहीं, एक ये मैंने आप लोग ने पढ़ा है, व्हेन आई रेड शेक्सपियर आई एम स्ट्रक विद वंडर, है ना, ये वो तो पढ़ा ही है, व्हेन आई रेड शेक्सपियर आई एम, तो ये डीएच लॉरेंस का है, याद रखना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और जो भी अगर छूट रहा है तो हम देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, बाय बाय।